हेलो बच्चों, आई होप आप लोग घर में अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर हमने क्रिस क्रॉस रूल को यूज़ करके, वैलेंसी को यूज़ करके कि लाइक केमिकल नेम दिया हो तो उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ना, वो सब हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। वैलेंसी वगैरह देखी थी, कुछ पॉली एटॉमिक आयन की, कुछ आपके लाइक हमने करे भी थे क्वेश्चंस वगैरह, है ना। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो भी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल आप लोगों को मालूम है, सी है। कैल्शियम का सिंबल सी है, हाइड्रोक्साइड का OH। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। हाइड्रोक्साइड की होती है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो एक क्या हो गया आपका, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ये क्या हो गया, CaOH2 का होल ट्वाइस, जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर का सिंबल Ag, नाइट्रेट का NO3। सिल्वर की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी 1, क्रिस क्रॉस करो, इधर से हमारा सिंबल आ गया AgNO3, है ना। सिंबल है तुम्हें, वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। पोटेशियम का सिंबल के, सल्फेट का SO4। पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, क्रिस क्रॉस करो तो क्या आ गया, K2SO4, K2SO4। तो ये हमारी आ गई आपकी सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बेरियम ब्रोमाइड बोल रहा है। बेरियम का Ba, ब्रोमाइड का Br, बेरियम की वैलेंसी 2, ब्रोमीन की 1, क्रिस क्रॉस करो तो एक इधर से क्या गया, BaBr2। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल K, क्लोराइड का क्लोरीन का Cl। पोटेशियम की वैलेंसी आपको मालूम है 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो इधर से क्रिस क्रॉस करो तो इधर से हमारा केमिकल कंपाउंड आ गया KCl, है ना। सिंपल है, आई होप आप लोगों से हो भी गए होंगे। फिर बारी आती है जिंक क्लोराइड की। जिंक का सिंबल Zn, ऑक्साइड का, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्साइड का सिंबल O, Zn की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, क्रिस क्रॉस करो तो ये क्या क्या, Zn2O2। ये इसको सिंपलेस्ट रेशो में कर सकते हैं, 2 से 2 काट के हमारा केमिकल नेम क्या आ गया, Zno। बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का सिंबल O, मैग्नीशियम का आपका लाइक वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, फिर से मल्टीप्लाई करो Mg2O2, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं तो इधर से आ गया MgO। 2 2 को क्या करा, सिंपलेस्ट रेशो में कर दिया ना। तो बच्चों ये सब तो आई होप आप लोगों से हो गए होंगे, है ना, सिंपल से थे। अगर नहीं हुए हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना, फिर से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बच्चों, कई बार ना केमिकल रिएक्शन में ऐसे गैसेस वगैरह दी होती हैं जो डायटोमिक फॉर्म में होती है। जैसे मान लो तुम्हें कहीं पर ऑक्सीजन गैस गिवन है, तो ऑक्सीजन हमेशा पेयर में रहती है दूसरी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में रहती है। ऐसे सिमिलरली नाइट्रोजन गैस हमेशा N2 फॉर्म में रहती है, क्लोरीन गैस हमेशा Cl2 फॉर्म में रहती है, और हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म में रहती है ना। कि यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम मिलके रहते हैं, दो नाइट्रोजन के एटम मिलके रहते हैं, दो क्लोरीन के एटम मिलके रहते हैं, और दो हाइड्रोजन के एटम रहते हैं। तो ये O2 N2 Cl2 H2 गैस इस तरह से एग्जिस्ट करती है ना। नेचर में भी O2 गैस होती है, N2 गैस होती है, Cl2 गैस होती है, H2 गैस। ये जब तुम केमिकल रिएक्शन करोगे तो और आइडिया लगेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की। पहली बात तो तुमने केमिकल इक्वेशन अभी देखा, हमने लिखी मतलब केमिकल रिएक्शन C+ में O2, ये सब 2-3 केमिकल इक्वेशन देखी थी। अब मान लो कोई केमिकल इक्वेशन तुम्हें मिल जाए तो उसे बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में भी इक्वल हो, लिख भी लेते हैं, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में भी इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के भी इक्वल होने चाहिए। मतलब ये मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब है कि रिएक्टेंट में जितने एटम हैं मतलब उतने ही तुम्हारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, इसी का मतलब होता है बैलेंसिंग। क्वेश्चन करेंगे तुम्हें और क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहले तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? लॉ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके,
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चों, वो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि ना तो मास कभी पैदा हो सकता है ना कभी मर सकता है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मास कहीं से भी, मान लो 10 ग्राम है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में 20 ग्राम आ जाएगा। वो मतलब कहने का मतलब है कि मास जादू से नहीं आएगा, जितना तुमने रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो वही तुम्हारा बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जितना हमने रिएक्टेंट का मास लिया उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, तो इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। बच्चों देखते हैं, ये देखो पहले ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखो इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन है। एक बार इनका मास देख लें कि ये बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। कार्बन का एटॉमिक मास तुमको मालूम है 12 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, दो ऑक्सीजन का होगा 32। ठीक है, और अब इधर इस टोटल का एटॉमिक मास देखें तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का तुम्हारा 16 इंटू में 2, 12 इंटू में 16 इंटू में 2, 12 प्लस में 16 इंटू में 2, ये कितना हो गया 32। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू में 2, टोटल तुम्हारा मास कितना आ गया 44। कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32, 12 प्लस में 32, 44। इधर भी 12 प्लस 32, 44, इधर भी 44, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। तो इसलिए इधर बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। अब मान लो कि एक इक्वेशन है ये H2 प्लस O2 गिव्स H2O। देखो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है। अब देखो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, देखते हैं। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, दो का कितना होगा 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो का कितना होगा 32। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इधर से कितना आ गया 34, है ना। अब देखो वाटर का देख लो, और एक ऑक्सीजन का मास कितना 16, दो हाइड्रोजन का मास 2, दोनों को ऐड करो तो इधर H2O का मोलर मास या एटॉमिक मास कितना आ गया 18। तो देखो रिएक्टेंट का मास कुछ हो रहा है, प्रोडक्ट का मास कुछ हो रहा है, तो मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन फॉलो नहीं कर रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब देखो इधर तो 34 ग्राम था, 34 ग्राम था, इधर 18 ग्राम हो गया, बाकी का 16 ग्राम कहाँ गया, हवा में उड़ गया, जादू में उड़ गया, कहाँ गया। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। तो इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं कि मास हमारा रिएक्शन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल रहे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। अब एक बार देखो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, फिर देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती या नहीं करती। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इधर दो ऑक्सीजन कर दो, ऑक्सीजन कितना होगा इधर दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 इंटू में H2, टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए क्योंकि H2 ऑलरेडी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इधर 2 हैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है नहीं करती। दो हाइड्रोजन का मास कितना था 2, अब 2 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब कितना हो गया 4, दो ऑक्सीजन का मास अभी भी कितना है 32। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मास कितना हो गया 36। अब प्रोडक्ट का देखो, एक H2O का मास कितना था 18, अब इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अब कितना हो गया 36। तो बच्चों तुमने देखा कि इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद मास जितना रिएक्टेंट का था उतना प्रोडक्ट हो गया। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है ये रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। और रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब क्या है कि मान लो जितने हाइड्रोजन तुम्हें रिएक्टेंट में है उतने ही तुम्हारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, जितने तुम्हारे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। और हम मान लो कि बैलेंस नहीं हो तो उसे बैलेंस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर से, 2 से 3 से 4 से, मतलब 1 से, जिसे तुम्हें अच्छा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन कुल मिला के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स इक्वल होने चाहिए। अभी क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें और ज़्यादा क्लियर होगा। बच्चों वैसे तो ना मतलब कोई इतना कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने का कि ट्राई करते रहो, कभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 3 से, जिससे मन करे, फिर देखो एटम इक्वल हो रहे नहीं हो रहे। बट एक ना सिस्टमेटिक वे से चलते हैं कि लाइक एक सिस्टम से चलते हैं कि रिएक्शन बैलेंस करने में हमें ईजी हो। तो बच्चों किस तरह से फॉलो करेंगे कि क्या करो, सबसे पहले अगर तुम्हें कोई मेटल दिख रहा है ना
लाइक FeZnCuNaAl बेरियम, कोई भी आयरन, जिंक, कॉपर, सोडियम, एलुमिनियम, बेरियम, कोई मेटल दिख रहा है तो पहले उसको बैलेंस करो। सबसे पहले क्या करोगे, मेटल को बैलेंस करोगे। और ठीक है, अब मान लो मेटल को बैलेंस करोगे, मेटल को बैलेंस करने के बाद किसका नंबर आएगा, किसी भी नॉन मेटल का, कि जैसे मान लो कि कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन का है, मतलब ऐसे कोई भी एटम हो, फिर उसको बैलेंस करो। ठीक है, अब जब इसको बैलेंस कर लिया ना, एक बार फिर से मेटल को चेक करो कि जब तुमने इसको बैलेंस करा कहीं इस पर तो कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है बच्चों, फिर जब ये स्टेप पूरा हो गया, अब फिर तुम अगला काम क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है नहीं है। फिर तुम चौथा काम क्या करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। इस तरह से मतलब करो और बीच बीच में चेक करते रहना कि लाइक मेटल का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, नॉन मेटल सेम है। हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, बट उनको हम थर्ड और फोर्थ टाइप में लेते हैं। तो हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, सबसे पहले देखो नॉन मेटल है रिएक्टेंट में है तो सबसे पहले उसे बैलेंस करो। फिर देखो कोई नॉन मेटल है, कोई कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन या ऐसा और कोई मेटल है, नॉन मेटल है कोई, अगर है तो उसे बैलेंस करो। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन का, फिर आएगा हाइड्रोजन का। और बीच बीच में हर एक स्टेप में चेक कर देना ना कि तुम्हारे एटम्स इक्वल हो रहे हैं नहीं हो रहे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अभी तुम्हें क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, देखो ज़रा। तो देखो बच्चों, इधर सबसे पहले मेटल है जेड है ना, तो सबसे पहले जेड एन देखो, इधर वन है, इधर वन है, तो जेड एन जेड एन इक्वल रिएक्टेंट में भी वन है, प्रोडक्ट में ही वन है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला नंबर आता है हमारा नॉन मेटल का, इधर नॉन मेटल सल्फर है, इधर सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है, बहुत बढ़िया, सल्फर भी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है अगली ऑक्सीजन की, इधर ऑक्सीजन देखो कितने हैं, चार है, ओ चार है ना, ओके साइड में चार लिखा है, तो इधर ऑक्सीजन चार है, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट में भी कितने ऑक्सीजन, चार, तो बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस। अब ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इधर देखो दो है, रिएक्टेंट में दो है, प्रोडक्ट में देखो कितने हैं, दो ही हैं, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी दो, प्रोडक्ट में भी दो, तो यानी कि रिएक्टेंट में जितने जितने एटम है उतने ही प्रोडक्ट में है, तो एक केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, बैलेंस हो गई, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली बात करते हैं जो भी वाटर की हमने देखी थी। अब देखो इसके अंदर ना तो कोई मेटल है ना नॉन मेटल है, ठीक है, अगला नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो इधर दो है, इधर एक है, इसको दो से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन इधर कितनी होगी, दो, दो ऑक्सीजन हो गए, इधर भी दो ऑक्सीजन है। अब देखो हाइड्रोजन चेक करो, अगला नंबर हाइड्रोजन का आता है, इधर हाइड्रोजन कितनी है, चार एच है, टू इंटू में टू फोर एच है ना, तो इधर हाइड्रोजन है चार एच, इधर कितनी है, दो एच है, तो इसको क्या करो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इधर हाइड्रोजन कितनी होगी, फोर एच। अब देखो एक बार फिर से चेक करो, हाइड्रोजन कितनी है, चार, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितनी है, दो, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, दो, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर देखो H2+ में Cl2 HCl, इधर सबसे पहले अब देखो नॉन मेटल देखेंगे, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन, इधर क्लोरीन कितने हैं, दो, इधर कितने हैं, एक, दो से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन दो हो गए। अगला नंबर किसका आएगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, दो, इधर भी कितने हैं, दो, तो हाइड्रोजन इधर भी दो हैं, इधर भी दो हैं, ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन का नंबर आएगा ना, तो इधर से हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, तो हमारा इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस हो गए, तो ये भी बढ़िया काम हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन दो है इधर, हाइड्रोजन दो है इधर, क्लोरीन दो है इधर, क्लोरीन दो है, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है ना, बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। अगला नंबर देखो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव CO, देखो मेटल नहीं गिवन, नॉन मेटल गिवन है कार्बन, पहले कार्बन को बैलेंस करो, कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नॉन मेटल के बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर कितनी है, एक, दो से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन इधर कितनी होगी, दो, ऑक्सीजन होगी बैलेंस। अब कार्बन को चेक करो, कार्बन में कोई दिक्कत आई, पहले वाले स्टेप में चलो, कार्बन इधर दो हो गए, इधर कितने हैं, दो से मल्टीप्लाई करो, ये भी बैलेंस, तो हमारे कार्बन कितने हो गए, दो, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी दो, ऑक्सीजन इधर हमारी रिएक्टेंट में दो हो गए, प्रोडक्ट में भी दो हो गए, तो इधर से हमारा बैलेंस हो गया। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, कोई मेटल नहीं गिवन, उसके बाद किसका नंबर आएगा, नॉन मेटल का, नॉन मेटल इधर क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी है, बट हम पहले कार्बन को प्रेफर करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन थर्ड और फोर्थ स्टेप में आती है, कार्बन इधर एक है, कार्बन इधर एक है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है, बहुत बढ़िया, ये भी बैलेंस है। अब देखो अगला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर दो है, इधर चार है, गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन को इधर से मल्टीप्लाई करो,
इधर कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, इधर भी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भी बहुत बढ़िया बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। अगला बढ़ते हैं, इधर देखो N2 प्लस में H2, इधर हमारी नॉन मेटल क्या है, मेटल तो कोई है नहीं, नॉन मेटल है नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन है 1, इसको ज़रा 2 से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन 2 गई। अब इधर हाइड्रो, अगली बारी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है नहीं तो हम देखेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 6, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 एच। अब एक बार फिर से नाइट्रोजन चेक करो कितनी है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, बहुत बढ़िया। 6 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, इधर भी 6 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, बहुत बढ़िया। ये भी रिएक्शन ओके ऐसी होगी बैलेंस। अगली अगली में चलते हैं, इधर Mg एक मेटल है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, Mg इधर कितना 1, इधर भी कितना 1, बहुत बढ़िया, कोई बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। अगला नंबर आएगा नॉन मेटल का, नॉन मेटल कोई है नहीं, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन का, इधर ऑक्सीजन कितनी है 2, इधर 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। अब फिर से चलो फर्स्ट स्टेप पे मेटल वाले पे, क्या मेटल कोई साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, मेटल के साथ छेड़छाड़, इधर मेटल कितने हो गए 2, इधर मेटल कितने 1, 2 से मल्टीप्लाई करो, मेटल ही बैलेंस, तो इधर 2 Mg हो गए, इधर भी 2 Mg हो गए, तो इधर भी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अगली रिएक्शन देखो, इधर मेटल कोई है नहीं तो अगला नंबर किसका आएगा, नॉन मेटल का, नॉन मेटल इधर कौन है, कार्बन, ठीक है, कार्बन इधर 1 है, इधर 1 है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर 3 है, इधर 2 हैं, इधर 3 है, तो क्या कर सकते हैं बताओ, इस केस में क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हम इधर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, इधर कितनी है 2, तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, इधर भी ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस। अब फिर से एक बार कार्बन पे चल के देखते हैं, कार्बन बैलेंस है, कार्बन 1 है इधर, कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन अगला नंबर ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन इधर बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर कितनी है 4, इधर भी कितनी है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 4 हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, इधर भी कितने हाइड्रोजन 4, 2 इंटू में H2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर हो गए हाइड्रोजन ही बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई बैलेंस। तो बच्चों बड़ा सिंपल तरीका है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तुम्हें भी आ जाएगी बहुत ईजीली, तुम लोग कर लोगे। कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछ लेना, मैं इस वीडियो के साथ कुछ लाइक प्रैक्टिस के लिए कुछ बैलेंस इक्वेशन अटैच कर रहा हूँ बैलेंस के लिए, प्लीज़ उसको ट्राई करना, और जितनी भी मैंने 7-8 इक्वेशन कराई हैं इनको खुद से बिना देखे ट्राई करके देखना, ठीक है। ये 13-14 हैं जो टोटल, 6 तो मैंने होमवर्क में दिए हैं, 8 हैं, तो इनको टोटल आप कर लेना अच्छे से, ठीक है बच्चों। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।